गाजीपुर में नमामि गंगे यात्रा में यात्री के देर शाम लंका मैदान पहुंची, जहां पर यात्री केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में यहां पर बलिया से गाजीपुर सीमा में प्रवेश की, जिसके दौरान ही प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनिल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, गिरीश यादव मौजूद रहे। साथ ही जिले के सभी बीजेपी विधायक और MLC विशाल सिंह चंचल के साथ ही तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। और जहां पर नमामि गंगे यात्रा के लेकर आपको बता चले कि यहां पर यात्री लंका मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया गया है। संबोधित के दौरान ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यात्रा के माध्यम से ही यहाँ पर ही तमाम योजनाएं गिनाई, साथ ही यात्रा के अर्थ पर यात्रा की बताई गई और यहाँ पर प्रधानमंत्री को गंभीरत भी बताई गई है। प्राइम बीके न्यूज आने के लिए देवव्रत विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट गाजीपुर। कहा है उससे अपने को जोड़ते हुए आज आदमी भगीरथ ने जो पहल की है, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मैं गाजीपुर के जिलाधिकारी और उनके सहयोगियों को और पुलिस अधीक्षक उनकी टीम को, हम लोग बहुत से कार्यक्रमों में एक राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा मोदी जी की प्रेरणा से कार्यक्रम है, संगठन भी सहयोगी है, समाज भी सहयोगी है, प्रशासन इसके आयोजन किए का महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन जिस श्रद्धा से यहाँ के प्रशासन ने काम किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आपकी लगन प्रदर्शित हो रही है, इसके लिए बहुत शुभकामना। देखिए बहुत ही सफल और मनोरम यात्रा रही है। प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में नर नारी बाल वृंद इस यात्रा के भीतर शामिल हुए हैं। उन्होंने यात्रा के प्रति अपना निष्ठा जताई है, समर्थन दिया है और हमारे छात्रों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने गंगा मैया को स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाए जाने का संकल्प लिया है, उसकी पट्टिका दिखाई है, अनेक झांकियां बना करके जगह जगह स्थानों पर जो जन समर्थन प्राप्त हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना एक उनकी प्रेरणा से नमामि गंगे कार्यक्रम चला, आज उसका जन आंदोलन के स्वरूप में दिखाई दिया है, जिस तरीके की जनभागिता है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो भगीरथ प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस यात्रा का कुशल संचालन कराया है, इससे आमजन गंगा मैया की इस दर्द को, पीड़ा को समझने में सक्षम हुए हैं और वो इस बात का संकल्प लेकर के जा रहे हैं, प्रतिबद्ध होके जा रहे हैं कि हमें माँ गंगा को स्वच्छ करना है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस